1910 में समाज सेवी मदर टेरेसा का आज ही के दिन जन्म हुआ था। 12 वर्ष की उम्र से ही मदर टेरेसा समाज सेवा करने लगी थी। 1929 में मदर टेरेसा कोलकाता पहुंची। 1944 में वो सेंट मैरी स्कूल की हेडमास्टर बन गई। मदर टेरेसा ने आवश्यक नर्सिंग ट्रेनिंग पूरी की और 1948 में वापस कोलकाता आ गईं और वहां से पहली बार ताल तला गईं, जहां वो गरीब बुजुर्गों की देखभाल करने वाली संस्था के साथ रहीं। 1949 में मदर टेरेसा ने गरीब, असहाय और अस्वस्थ लोगों की मदद के लिए मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की, जिसे 1950 में रोमन कैथोलिक चर्च ने मान्यता दी। इसी के साथ ही उन्होंने पारंपरिक वस्त्रों को त्याग कर नीली किनारी वाली साड़ी पहनने का फैसला किया। मदर टेरेसा को पद्मश्री, नोबेल पुरस्कार, भारत रत्न, मेडल ऑफ फ्रीडम सम्मान से नवाजा गया। 1994 में आज के दिन इंसानी दिल को चलाने के लिए पहली बार बैटरी का इस्तेमाल किया गया था। दक्षिणी इंग्लैंड के रहने वाले 62 वर्षीय पुरुष के शरीर में बैटरी से चलने वाले दिल का पैप वॉर्थ अस्पताल में सफल ऑपरेशन किया गया। इस व्यक्ति के निरंतर खराब होते स्वास्थ्य के चलते डॉक्टरों ने उसके जीवित रहने की अवधि चंद महीने ही बताई थी। ब्रिटेन के नामचीन सर्जन डॉक्टर टेरेंस इंग्लिश और जॉन वॉलवर्क ने 11 सदस्यों वाली अपनी टीम के साथ इस सफल ऑपरेशन को अंजाम दिया था। यह यंत्र एक इलेक्ट्रिक पंप था जो बैटरी से चलने के बाद मानव हृदय में रक्त संचार करने में मदद करता था। 2012 में आज एक दिन मशहूर अभिनेता अवतार किशन हंगल का निधन हुआ था। 1930 से 1947 के बीच हंगल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रहे और दो बार जेल गए। 1966 में हंगल ने बॉलीवुड में कदम रखा और 2005 तक 225 फिल्मों में काम किया। राजेश खन्ना के साथ इन्होंने 16 फिल्में की थी। हंगल साहब उर्दू भाषी थे, जिस वजह से उन्हें हिंदी स्क्रिप्ट पढ़ने में परेशानी होती थी, इसलिए वो स्क्रिप्ट हमेशा उर्दू भाषा में पढ़ते थे। नमक हराम, शौकीन, शोले, आईना, अवतार आदि इनकी बेहतरीन फिल्में हैं। 2006 में किशन हंगल को पद्म भूषण सम्मान से नवाजा गया। और आज का दिन यानी कि 26 अगस्त महिला समानता दिवस के रूप में मनाया जाता है। न्यूजीलैंड विश्व का पहला ऐसा देश है जिसने 1893 में महिला समानता की शुरुआत की। 1920 में अमेरिका में 19वें संविधान संशोधन के माध्यम से पहली बार महिलाओं को मतदान का अधिकार मिला। इससे पहले वहां महिलाओं को द्वितीय श्रेणी नागरिक का दर्जा हासिल था। इसके बाद महिलाओं को समानता का दर्जा दिलाने के लिए लगातार संघर्ष करने वाली एक महिला वकील बेल्बा अब्जुगके के प्रयास से 1971 से अमेरिका में महिला समानता दिवस मनाया जाने लगा। भारत में आज़ादी के बाद से ही महिलाओं को वोट देने का अधिकार तो था, लेकिन पंचायतों और नगर निकायों में चुनाव लड़ने का कानूनी अधिकार 73वें संविधान संशोधन से मिला।